मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। पेड़ों को जो हमारे शहर के फेफड़े, जैसा अभी खरे साहब ने कहा, ये बिल्कुल हकीकत है कि शहर हमारे जहाँ पर पेड़ पहले से ही बहुत कम है, बरेली जिले में सिर्फ 0.01% है। तो इन पेड़ों को काट के इस वन क्षेत्र को क्या आप माइनस में लेना चाहते हैं, जबकि 33% इलाके में वन होने चाहिए और हमारा एक से भी दसवां हिस्सा वनों का है। तो शहरी क्षेत्र में जितने भी वृक्ष हैं, पिछले अगस्त में करीब 800 सागवान के पेड़ आपने काट दिए थे नया बस अड्डा बनाने के लिए, उसके बाद में तमाम सड़कों को बिना सोचे समझे आप छोड़ा कर रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत है जहाँ पर नहीं है, और पेड़ों को आपने काटा है सिर्फ, लेकिन लगाने का कोई प्लान नहीं है। हमने तमाम से मैंने चिट्ठियाँ लिखी हैं, 15 जनवरी को अभी मैंने नोटिस भेजा था, उससे पहले 4-5 महीनों से लगातार मैं कभी जिलाधिकारी से, कभी DFO से, कभी नगर आयुक्त से मिल रहा हूँ, लेकिन खोखली बातें हैं, कोई आश्वासन नहीं है, ठोस आश्वासन। तो हमारा ये कहना है कि हमें किसी भी कीमत पर इस हरियाली को बचाना है, और आज मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आज तमाम बुद्धिजीवी लोग, समाज के, बरेली कॉलेज के मेरे साथी शिक्षक छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, और हम इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे। लड़ाई चाहे हमें धरना प्रदर्शन भी करनी हो, क्योंकि लोकतंत्र में वो भी हमारा एक हथियार है, और अगर कानूनी की लड़ाई की जरूरत पड़ी तो वो भी हम शुरू करेंगे। समयून खान जी, देखिए आप सब लोग जानते होंगे बरेली शहर में जिस तरीके से पेड़ों के कटान चल रहे हैं, बहुत पुराने पुराने 50 साल 100 साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है, जिन पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पक्षियों का आशियाना था, घर थे, एक प्रकृति का जो चक्र बना हुआ है पौधे के साथ, ऑक्सीजन और पशु पक्षियों का जो आसरा है उस पर, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि इतने अधिकारियों से हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, लेकिन किसी पे कोई भी असर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग बहुत लापरवाही में ले रहे हैं इस चीज़ को, स्मार्ट सिटी के नाम पे प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है। चूंकि बरेली में वैसे भी पौधे बहुत कम हैं, पेड़ बहुत कम हैं, उसके बावजूद जो पेड़ बचे हुए हैं उनको भी काटने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग उसका विरोध दर्ज कराने यहाँ पे आए हैं। हम लोगों की मांग है कि ये जो कटान है इनको रोका जाए, इनका कोई और विकल्प ढूंढा जाए। अगर फिर भी ऐसा ये लोग नहीं सुनते हम लोगों की बात, कटान नहीं रोका जाता है, तो हम लोग आगे धरना करेंगे, आगे जो भी कठोर से कठोर प्रदर्शन होगा, कठोर से कठोर कदम होगा वो हम लोग उठाएंगे।